को प्राप्त होता है मित्रों। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बूथ जीता तो मोदी मोदी, मोदी मोदी, मोदी मोदी, मोदी मोदी। मित्रों अब हम सब मोदी जिंदाबाद।
की जनता कमल का बटन दबाएगी और यूपी के विकास को और तेजी से बढ़ाने में अपना योगदान देगी। जनता है जनार्दन, लेकिन सरकारों में घोर भ्रष्टाचार हुए थे, भूल नहीं जाना रे। जैसा ये विकास है सबके लिए किया है, घोटाले हजार हुए थे, भूल नहीं जाना रे। I don't know.
सकते हैं? हम जा रहे हैं, बाहर निकलेंगे। बंदे 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 बंदे। मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारत माता की। मोदी 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 मोदी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मोदी 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 मोदी। तो भाजपा का बूथ विजय सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वाराणसी के दौरे पर है, और भाजपा का जो बूथ विजय सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे, विजय का मंत्र देंगे, जो बूथ के जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और इस जो कार्यक्रम में लगभग 8 विधानसभाओं के 3,361 बूथों के 20,000 से अधिक जो बूथ पदाधिकारी हैं वो शामिल हुए हैं, उनको विजय का मंत्र दिया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो 7 चरणों में होना है, और जो 7वां चरण है वो 7 मार्च को होगा, यानी कि उसी चरण के दिन आखिरी जो चरण होगा उसमें वाराणसी का भी चुनाव होना है, आसपास के जिलों का भी चुनाव होना है। इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचे हैं, और वहां के जो बूथ कार्यकर्ता है, जो बूथ के बूथ से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, उनको चुनाव के जीत का मंत्र देंगे, उनको समझाएंगे कि कैसे अपनी योजनाओं के, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना है, कैसे संवाद करना है, कैसे डोर टू डोर कैंपेन करना है, क्योंकि कोविड का भी समय है, ऐसे में सुरक्षा के साथ चुनाव प्रचार भी चलता रहे, और जो सरकार की बातें हैं, जो योजनाएं हैं, उनके बारे में लोग अधिक से अधिक जान सकें, अधिक से अधिक तक उन तक पहुंचाया जा सके, यही प्रयास किए जा रहे हैं। और चुनावी दंगल है वो लगातार चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व है, 7 मार्च को आखिरी चरण का चुनाव होना है जिसमें वाराणसी में भी चुनाव होना है। और इस कार्यक्रम में लगभग 8 विधानसभाओं के 3,361 से अधिक बूथ जो है उनके कार्यकर्ता, 20,000 से अधिक कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं, उनसे प्रधानमंत्री अभी कुछ ही देर में संवाद करेंगे, जीत का मंत्र देंगे कि कैसे इस प्रचार को लोगों तक, सरकार की योजनाओं के बारे में जो जानकारी है वो लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को बताना है कि कैसे सरकार उनके लिए लगातार काम करती रही है, कैसे वाराणसी का जो कायाकल्प है वो बदला है, जो बदली हुई तस्वीर अब देखने को मिलती है वाराणसी कि वो आने वाले दिनों में इसको और विस्तार दिया जाएगा, पर्यटन की असीम संभावनाएं उभर कर सामने आएंगी। तो आप सीधे तस्वीरें देख रहे हैं वाराणसी से, जहां पर भाजपा का बूथ विजय सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। अभी वो कार्यकर्ताओं से उन्होंने अभी मुलाकात की है, उनका अभिवादन स्वीकार किया है, पीएम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी करेंगे, चुनावी जीत का मंत्र भी देंगे, उनको ये बताया जाएगा कि कैसे इस चुनाव को अच्छे तरीके से सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अभी भी कोविड का जो संकट है, कोरोना का जो दौर है अभी खत्म नहीं हुआ, ऐसे में चुनाव का प्रचार भी चलता रहे लेकिन कोविड सुरक्षा के साथ डोर टू डोर यानी कि घर घर जाकर कैसे लोगों को समझाना है, कैसे बात करनी है, कैसे योजनाओं के बारे में जानकारी देनी है, सरकार की जो बहुत ही महत्वाकांक्षी बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं, हम चाहे जल योजना की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, चाहे हम ऑर्गेनिक की बात करें, या फिर हम वाराणसी के वहाँ के सौंदर्यीकरण के, वहाँ के में जो पुनरुद्धार हुआ, जो बदलाव हुआ है, जो पर्यटन की असीम संभावनाएं उभर कर सामने आएंगी, वो भी रोजगार का एक बड़ा माध्यम बनेंगी। और ये यही समझाना है, इसीलिए ये जो बूथ विजय सम्मेलन आयोजित किया गया है, जो बूथ कार्यकर्ता है, जो बूथ पदाधिकारी है, उनको बताया जाएगा।
और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो चुनावों में जो बूथ पदाधिकारी होते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हर राजनीतिक दल उन बूथ पदाधिकारियों को समझाता है, बताता है और जिम्मेदारी भी सौंपता है कि आप अपने बूथ की जिम्मेदारी लें ताकि अधिक से अधिक मतदान भी हो सके, मत प्रतिशत को भी बढ़ाया जा सके। आप अपने बूथ के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको कैसे पोलिंग बूथ तक ले जाना है ये भी समझाया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है चुनाव के समय, खासतौर से पोलिंग बूथ का जो एजेंट होता है या पोलिंग बूथ के जो पदाधिकारी होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वागत है। हारा हारा महादेव, स्वागत है। स्वागत है। हम सबके बीच में, हम सबके अभिभावक, हम सबके मार्गदर्शक, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वाराणसी के लोकप्रिय सांसद, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हम सबके बीच में मंच पर पधार चुके हैं। मित्रों, हम बूथ अध्यक्ष बबलू राजभर से अनुरोध करेंगे कि आप गमछा पहना के अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने सांसद जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं सुनील पटेल जी से अनुरोध करूंगा कि वो कप प्लेट दे के अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत करें। सुनील पटेल जी, मित्रों, मैं अब आमंत्रित करता हूँ हम सब कार्यकर्ताओं के दुख सुख के हमेशा ध्यान रखने वाले माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सड़कों का विकास करने वाले ऐसे आदरणीय केशव मौर्य जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, आए और मोदी जी का स्वागत भी करें, अपना स्वागत भाषण भी करें। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। लेकिन जब तक काशी की धरती पे, बाबा की नगरी में आए हैं, जब तक एक बार जोर से बोलिए हर हर महा। मैं काशी के लोकप्रिय सांसद, भारत के प्रधानमंत्री, गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के, मसीहा कहिए, उज्जवल भविष्य कहिए, माताओं बहनों के सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन का रास्ता बना करके प्रगति के पथ पर देश प्रदेश को आगे ले जाने वाले कहिए, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं काशी की धरती पर आप सब की ओर से, अपनी ओर से, संपूर्ण मंच की ओर से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आओ तेजी के साथ तालियों की गड़गड़ाहट से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। मंच पर भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के चुनाव के प्रभारी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, संगठन के महामंत्री, संगठन शिल्पी आदरणीय सुनील जी, हमारे दोनों जिलों के अध्यक्ष आदरणीय हंसराज विश्वकर्मा जी, महानगर के अध्यक्ष विद्यासागर राय जी, हमारे प्रदेश सरकार में मंत्री परिषद के साथी और आपके सबके प्रत्याशी श्रीमान रवींद्र जायसवाल जी, श्रीमान नीलकंठ तिवारी जी, श्रीमान अनिल राजभर जी और हमारे बाकी प्रत्याशी डॉक्टर अवधेश जी, त्रिभुवन राम जी, सुनील पटेल जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, हमारे इस क्षेत्र के अध्यक्ष और सभा का संचालन कर रहे श्रीमान महेश श्रीवास्तव जी और यहाँ उपस्थित भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी
कि हमारे बूथ के अंदर जो कमल खिलाने का काम करते हैं, गठबंधन के साथियों को जिताने का काम करते हैं, ऐसे एक एक कार्यकर्ता के पास आ नहीं सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के मालिकों के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम जरूर करने का इच्छा है। आप सब अपना आशीर्वाद देने की कृपा करेंगे। आज का दिन महत्वपूर्ण है और जब काशी के 8 विधानसभा क्षेत्र के हम सब कार्यकर्ता यहां पर बैठे हैं तो आप सब जानते हैं एक तरफ कौन है। ये तो जैसे कौरव पांडवों का युद्ध हो जाता है, वो तो द्वापर वाला था, लेकिन वर्तमान युग में, कलयुग में आज यह स्थिति है, एक तरफ सारी ताकतें लगी हुई हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए सारी ताकतें एक तरफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ जनता जनार्दन है। और आपको याद दिलाना चाहता हूं, ध्यान रखना, दो त्रेता युग में भगवान राम के जो सबसे बड़े दूत थे उन्हें क्या कहते हैं, हनुमान जी महाराज। यहां संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, तो मैं कहना चाहता हूं त्रेता युग में भगवान राम के हनुमान जी कौन थे, तो वह हनुमान जी जिनकी हम सब पूजा करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हनुमान जी, आप सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो जिनके बल पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा चल रही है। मैं आप सब लोगों के सामने यहां पर यही कहना चाहता हूं, जैसे हनुमान जी के लिए राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम, वैसे राष्ट्र काज यानी भाजपा का काज किए बिना मोहि कहां विश्राम। इस भावना से दिन रात मैं समझ रहा हूं 2014 से लेकर के 2019 तक के जो 3 चुनाव हुए हैं, इस चुनाव में, तीनों चुनाव में अलग अलग चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आप सब हनुमान जी लोगों ने क्या किया है वह सारे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा। पहले जो गठबंधन थे 2014 से, उस समय आपने हराने का काम किया, काशी सहित उत्तर प्रदेश के 73 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। 2017 में अहंकार के आकाश में जो बैठे हुए जो सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं, या बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद गरीब कल्याण के लिए समर्पित, किसानों के लिए समर्पित, नौजवानों के लिए समर्पित, माताओं बहनों के उत्थान के लिए समर्पित, अर्थात सबका साथ सबका विकास, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता, वह काम करते हुए जब 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी की छत्र छाया में हम सब लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ाने का मौका मिला, तो आप सब लोगों ने अपनी ताकत दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने साथियों के साथ 325 विधायक जिता करके देने की ताकत रखती है। लेकिन उसके बाद आपने सबसे बड़ी ताकत दिखाई 2019 में, जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो 2019 के चुनाव में बुआ भतीजे एक हो गए थे, याद है कि भूल गए सबको लग रहा था श्री अखिलेश यादव जी तो उस समय प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी करने लगे थे, उनको ये पता ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश या देश के दिल में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी के सांसद जी रहते हैं। वह सोचे कि कुछ नेताओं को ले लेने से भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोक लेंगे, लेकिन आप सब लोगों ने दिन रात परिश्रम करके जिस प्रकार से कमल खिलाने का काम किया, विरोधियों के हौसले पस्त हो गए। अभी इस समय मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, सुना है आप लोगों ने, श्री अखिलेश यादव जी कह रहे थे 400 सीटें जीतेंगे, सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने काशी के पूरे जनपद के अंदर समाजवादी पार्टी का खाता खुल रहा है क्या कहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए खाता खुल रहा है क्या कहीं, इधर भी बताइए खुल रहा है क्या कहीं। काशी में खाता खुल नहीं रहा, अयोध्या में खाता खुल नहीं रहा, प्रयाग में खाता खुल नहीं रहा, पश्चिम से लेकर के पूरब तक जिस समाजवादी पार्टी को
खोजना पड़ रहा है, वो 400 सीटों के सपने देख रहे हैं। मैं पूरे विश्वास से बाबा जी की धरती पर कह सकता हूं कि वह 47 सीटें 2017 में जीत करके आए थे। उनके ऐसे कोई कर्म नहीं है जिसके आधार पर 47 से 48 तक पहुंचे, वो 47 से 40 पहुंच सकते हैं लेकिन 47 से 48 नहीं पहुंच सकते। पहले और दूसरे चरण के चुनाव में आपको बता दूं उनका चुनाव निशान क्या है मालूम है ना, साइकिल। और साइकिल पश्चिमी से उड़ करके, पश्चिम उत्तर प्रदेश से उड़ करके सैफई पहुंच गई थी और सैफई के लोगों ने उड़ा दिया वहां कमल खिला करके, अब उड़ते उड़ते बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही है। अब उसको उड़ाने का आगे का जिम्मा आप लोगों का है। ये गुंडागर्दी वाली सरकार को समाप्त करके विकास करने वाली सरकार को, सबको सुरक्षा सबको सम्मान देने वाली सरकार को आपने अपने परिश्रम से बनाने का काम किया है। आप सब भारतीय जनता पार्टी के वह महान कार्यकर्ताओं में से हैं जिन कार्यकर्ताओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी शून्य से शिखर तक पहुंची है। हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास किया है, किसी के साथ भेदभाव हुआ है क्या बताइए, दोनों हाथ उठा करके बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी साहब ने किसी के साथ कोई किसी योजना में भेदभाव हुआ है क्या? अगर किसी योजना में भेदभाव नहीं हुआ है, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार ने गरीब गरीब को एक समान माना, किसान किसान को एक समान माना, बेटी बेटी को एक समान माना, मजदूर मजदूर को एक समान माना, नौजवान नौजवान को एक समान माना, हमने उसमें हिंदू मुसलमान देखा है क्या कहीं किसी योजना में? हमारी केंद्र की प्रदेश की सरकार ने कोई भेदभाव किसी योजना में किया है क्या? सबके साथ सबके विकास के लिए समर्पित हमारी सरकार के समर्थन में 2017 के बाद 2019 में हमारी ताकत जनता के आशीर्वाद से बढ़ी है। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं 2017 और 2019 के बाद जो लोगों की सेवा में हमारी सरकार ने दिन रात परिश्रम करके लोगों की सेवा की है, तो 2019 और 17 से भी ज्यादा समर्थन 2022 में भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ा है। बढ़ाए कि नहीं बढ़ाओ, हाथ उठा के बताइए बढ़ाए कि नहीं बढ़ा। मैं कई जगह गया, मैंने पूछा आप बताइए, एक बड़ा मतदाता वर्ग है, कई बार संकोच में हम ही आप नहीं जाते थे, यार ये तो फला जाति का है और ये तो हमें वोट देगा नहीं, कई बार नहीं जाते थे। लेकिन मेरी जानकारी है पूरे प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लगातार गरीब कल्याण के काम हुए हैं। आप बताइए सच्ची बात, ऐसे बड़ी संख्या में गरीब आपको मिलने आ रहे कि नहीं आ रहे बताइए? क्योंकि अपने गांव के अंदर आप ही प्रधानमंत्री हो, आप ही मुख्यमंत्री हो, आप ही भाजपा के अध्यक्ष हो, आप ही भाजपा के सब कुछ हो, तो वह सोचता है कि हमारे पास आप नहीं आए तो हम ही आपके पास आते हैं। ऐसे मैंने बहुत जगह पता किया, तो आज वह सब जो आपके पास आ रहे हैं, हम तो सबको गले लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जिसमें अगड़े वर्ग पिछड़े वर्ग अनुसूचित वर्ग में कोई भेद ही नहीं है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम रूपी भारतीय जनता पार्टी ही है जहां सबको सम्मान दिया जाता है, सबको स्थान दिया जाता है, सबको गौरव दिया जाता है। अन्यथा केशव प्रसाद मौर्य जैसा व्यक्ति उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष या उप मुख्यमंत्री के नाते आज माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने आपके सामने बोलने का काम नहीं करता। ऐसे अनेक नाम है, मैं उदाहरण अनेक दे सकता हूं, लेकिन आप सबके सामने मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, आह्वान करना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी को समाप्त करने का इससे अच्छा अवसर अब दोबारा नहीं आने वाला है। 2014 में देश ने एक नारा लगाया था, क्या नारा था? कांग्रेस मुक्त भारत देश। और 2017 में नारा लगाया था सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश। मुक्त तो हो गए सत्ता से ये, लेकिन इनको समाप्त करने का काम, और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं 10 तारीख को जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो समाजवादी पार्टी का नाम बदल करके समाप्तवादी पार्टी हो जाएगा। आप सबको विश्वास है कि नहीं बताइए? विश्वास है तो दोनों हाथ उठा करके बताइए विश्वास है कि नहीं है?
श्री अखिलेश यादव जी कहते नई सपा है, ये नई सपा है जिसमें गुंडे अपराधी और माफिया है, जिसमें दंगाई है, जिसमें भ्रष्टाचारी है, जो जमीनों पर कब्जा करने वाले हैं। ऐसी सपा नहीं हो सकती है जिसमें जेल में बंद भी प्रत्याशी, बंद व्यक्ति भी प्रत्याशी है, जो बेल में है वह भी प्रत्याशी है, जो दंगे का अपराधी वह भी प्रत्याशी है, जो कैराना से और उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों से पलायन करने के दोषी है वह भी प्रत्याशी है। ऐसी सपा नहीं हो सकती है क्या? मैं दावे से कह सकता हूं, विश्वास से कह सकता हूं, श्री अखिलेश यादव जी यह नई सपा नहीं है, ये वही सपा है जिससे जनता खपा थी और आज भी खपा है, आज भी खपा है। और इसलिए श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे प्रियंका मैडम हो और चाहे मायावती जी हो, या तीनों की तिकड़ी या सारी ताकतें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सदा एकजुट रहती हैं। अलग अलग दिखते होंगे लेकिन अलग अलग दिखने के बाद भी आप सब जानते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मैं याद दिला रहा हूं 2014, मैं गांव में जाता हूं, पूछता हूं, आप भी जाते होंगे, पूछते होंगे, लोग बताते होंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कहा था न मैं खाऊंगा और न खाने दूंगा, और जिन लोगों ने भी खाया है उसको भी वसूल करके गरीबों के चरणों में डाल दूंगा, याद है आप लोगों को। और जैसे ही ये काम शुरू हुआ है, उनका जैसे खाना बंद हो गया है और जो खाने इकट्ठा कर लिए थे, 100-100 पीढ़ियों के जुगाड़ कर लिए थे, अब उसका भी पता चल रहा है, तो वह भारतीय जनता पार्टी को माननीय प्रधानमंत्री जी को सह नहीं पा रहे हैं। इसके कारण से सारे विरोधी एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन धन है आप काशी के लोग, धन है उत्तर प्रदेश के लोग, धन है देश के लोग, उन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी का रथ नहीं रुकने दिया, माननीय मोदी जी का रथ नहीं रुकने दिया, और इसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी देश की, दुनिया की और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के खड़ी हुई है। मैं आप सबका आह्वान करना चाहता हूं, 2022 का चुनाव यह ऐतिहासिक चुनाव है। ये केवल 5 साल लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नहीं, बल्कि ध्यान रखना ये आने वाले 5 साल के अंदर 5 पीढ़ियों की सुरक्षा का सवाल है। अगर समाजवादी पार्टी और उनके जैसे जो राजनीतिक दल जो भाजपा के विरोध में लड़ रहे हैं, अगर वह उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी है, 24 करोड़ लोगों के सुरक्षा का कवच है। इसलिए मैं आप सब लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, 2022 के चुनाव में आपको 2019 से भी ज्यादा मेहनत करनी है। समाप्त करना है कि नहीं समाप्त करना है इन लोगों को? और लोकतंत्र में समाप्त करने के लिए ताकत क्या होती है? वोट की ताकत होती है, और वोट आपका हर घर में रखा हुआ है। जिनके पास आप नहीं जा रहे थे, वो आपके पास अगर आ जा रहे हैं, तो मैं आप सबसे ही अपील करता हूं, जिनके पास आपको जाना चाहिए, कई बार संकोच में आप नहीं जाते थे, कई ऐसे काम हुए जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मैं कोई लंबा भाषण दूं यह मर्यादित नहीं है, लेकिन मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं, आज कोई भी घर, कोई भी जाति, कोई भी बिरादरी, कोई भी समुदाय भाजपा के विरुद्ध नहीं है, और वह सब भाजपा के साथ आना चाहते हैं। 2014 से पहले यही सपा बसपा के कांग्रेस के लोग एक दीवार खड़ी किए थे और उस दीवार में लिख दिए थे कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, वह भारतीय जनता पार्टी में ना जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो केवल अगड़ों की पार्टी है। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी एक गरीब माँ बाप के बेटे के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के रूप में देश के सामने, प्रदेश के सामने आए, तो पिछड़ों को लगा कि हमारा कोई अपना सुख दुख को समझने वाला आया है। सबने बिना भेदभाव के जब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता जोड़ा, तो रिश्ता जोड़ने के बाद लोगों को लगा कि सही मायने में हमारी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। पिछड़ों को, दलितों को भाजपा के नाम से डराने वालों की दुकान अब पिछड़ों और दलितों में नहीं गल पा रही है, आज दाल नहीं गल पा रही है, अब वो मुसलमानों की एक दीवार खड़ी किए हैं कि मुसलमानों भाजपा तो हिंदुओं की पार्टी है, आपका भला नहीं करती। बताइए
प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना की बिजली, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस का कनेक्शन, आयुष्मान भारत के इलाज का कार्ड, अभी हर घर नल से जल पहुंचाने की योजना, हर घर में शौचालय बनाने की योजना का जो लाभ मिला है, क्या उस लाभ में हिंदू मुसलमान देखा गया है क्या कहीं? अगर हमने कोई भेदभाव नहीं किया, हमारे लिए सभी योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए देशवासी सब एक समान हैं, और वह एक समान रह करके अगर हमने सेवा की है तो वह सब समर्थन करना चाहते हैं, और जो समर्थन करना चाहता है उसका हम स्वागत करते हैं। और बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं अभी जिनके पास हम गए नहीं, या वो डर करके हमारे पास अभी सपा बसपा कांग्रेस वालों की जो बचे हैं ना थोड़े बहुत, वह सब आने वाले समय में बहुत बोलना चाहता, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने में ज्यादा बोलना नहीं चाहता, वह सारे जो ऐसे दैत बैठे हुए हैं उनको यह पता चलना चाहिए कि सारे के सारा सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर हम सबका साथ सबका विकास करते हैं तो सबका आशीर्वाद पाने का हमें अधिकार है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, 2019 से जरा ज्यादा मेहनत 2022 में कर लीजिए, और 2022 में मेहनत करने के बाद एक ही बात कहूंगा, अभी तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो 5 साल आप उत्तर प्रदेश में काम देखे हैं, यह तो टेलर था टेलर, असली पिक्चर तो 10 मार्च 2022 के बाद दिखाई देगी। पहली पारी आपने देखा है, उसका परिणाम क्या हुआ है आप बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में 2017 से पहले बिजली कितने घंटे आती थी बताओ मुझे, और अब कितनी आती है? मैं भी आता था कभी अगर वाराणसी के एयरपोर्ट पर, तो एयरपोर्ट से कैंट पहुंचने में कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते थे, अब कितने घंटे में पहुंचते हो? मतलब कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, काशी ही नहीं सभी 75 जिलों का विकास हो रहा है। काशी तो आदर्श राजधानी, हमारी सांस्कृतिक राजधानी है, हमारे बाबा विश्वनाथ जी की नगरी है, और यहाँ का जो स्वरूप है जो आप देख रहे हैं, मैं केवल उसका वर्णन कर रहा हूं, लेकिन आप पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे प्रदेश के लोग आपके पास आते ही आते हैं, लेकिन जो आते हैं वो आपको बताते होंगे, देश के किसी प्रदेश से आवे या चाहे उत्तर प्रदेश के किसी जिले से आवे, और जो आते हैं वह सभा करके आपको बताते होंगे, हमारी सरकार भेदभाव नहीं करती। सपा बसपा की सरकारों के समय, कांग्रेस की सरकारों के समय कुछ जिलों का विकास होता था, लेकिन भाजपा की सरकार के समय सभी 75 जिलों का बिना भेदभाव के विकास हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे तमाम बातें हैं मैं जो आपको बता सकता हूं, लेकिन आप सबसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आज हमारे सब संगठन के लोग हो आप, जिनके बल पर विजय यात्रा लगातार जारी है, 2022 यह एक तरह से परीक्षा की घड़ी है, और परीक्षा से वह डरता है जो पूरे साल भर परीक्षा की तैयारी नहीं करता है। ये तो 5 साल में एक परीक्षा होती है, लेकिन मैं आप सब लोगों को आह्वान करता हूं, इस बार की ऐसी परीक्षा दे दीजिए कि ईवीएम मशीन केवल कमल के फूल को ही उबाल मारने का काम करे, सहयोगी दलों के जो चुनाव निशान है वही दिखाई दे, और मुझे आप सब पर भरोसा है। मैं तो एक ही नारा लगाता हूं पूरे प्रदेश में कि बाकी सब कुछ जाइए भूल, याद रखिए नरेंद्र मोदी और कमल का, और कमल का, यही निवेदन करके आप सब से बहुत उम्मीद है और बहुत भरोसा है। अभी तो अब चुनाव 5वें चरण का समाप्त हो रहा है, अब आप ही के बीच में रह करके अलग से सबसे मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, श्री राम, हर हर माम। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं आप उद्बोधन देने की कृपा कर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते।
आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम हो। ई बनारस पर हमें नाज हो। बनारसी लोगन के मेहनत और लगन पर भरोसा हो। जैसे आप 14 में पराक्रम देखौला, 17 और 19 में साथ देला, वैसे ही ई 22 भी फतह करवा। काशी अयोध्या से शुरू भयल विकास का यात्रा तभी आगे बढ़त आई जब यूपी में फिर से भाजपा के प्रचंड बहुमत का सरकार वापस आई। साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारे संगठन के सभी प्रमुखों का धन्यवाद करता हूं। दो बातें जो मेरे दिल को छू गई, एक इस सम्मेलन का हेतु आपने बूथ विजय सम्मेलन रखा है। बूथ विजय मैं समझता हूं यह बहुत बड़ा संदेश है। और दूसरा, मुझे मेरे प्राण प्रिय कार्यकर्ताओं के दर्शन का मौका दिया। आप सबके पास आकर के, आपके दर्शन पाकर के मैं अपने जीवन को धन्य अनुभव करता हूं। साथियों, जिस पार्टी के पास आप जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की ताकत हो, उसकी जीत तो सुनिश्चित है ही। बूथ विजय सम्मेलन में आपका ये जोश और आत्मविश्वास दिखता है कि हम हर बूथ भी जीतेंगे, इस पर पूरे क्षेत्र में फुल स्कोर भी करेंगे। और मैं जानता हूं भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव के आखिरी दिन तक आराम नहीं करता। पार्टी जो भूमिका देती है आप उसमें जी जान लगा देते हैं। भाइयों बहनों, मेरा इतने सालों का अनुभव है कि पार्टी का आदेश वैसे तो समाज और देश के हितों की दृष्टि से होता है, लेकिन उससे हमें बहुत कुछ पाने को, सीखने को मिलता है। अब आप मुझे देखिए, मुझ जैसे कार्यकर्ता को पार्टी ने बनारस भेजा और मुझे बनारस मिल गया। मैं बनारस का ही होकर रह गया। काशी की सेवा का महादेव और मां गंगा के चरणों में बैठने का ये जो पुण्य लाभ मुझे मिला है, ये पार्टी ने ही दिया है। वैसे आज मुझे काशी के स्वर्गीय डोम राजा जगदीश चौधरी जी की कमी भी महसूस हो रही है। वो मुझ पर इतना स्नेह दिखाते थे कि मैं अभिभूत हो जाता था। साथियों, मैं 2014 में जब यहां आया था तब
संगठन से जुड़े कुछ लोग मुझे जानते थे, लेकिन आज जो प्यार, जो दुलार मुझे काशी के घर घर में, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, ये आप सब कार्यकर्ताओं, समर्थकों के कारण ही संभव हुआ है। मुझे तो आपने देश की सेवा की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। मैं दिल्ली में काम में लगा रहता हूं, मेरी अनुपस्थिति में बनारस में आप भाजपा कार्यकर्ता ही सब संभालते हैं। लोगों के मन में मेरे प्रति जो प्यार है, लोगों का जो मुझ पे भरोसा है, उसका श्रेय आप सब कार्यकर्ता साथियों को जाता है। आप मेरे लिए एक ओपन यूनिवर्सिटी के तरह है। भाजपा का एक कार्यकर्ता के नाते मैं आप सभी से, अपने कार्यकर्ता साथियों से भी बहुत कुछ सीखता हूं। साथियों, हमारा संगठन एक जीवंत इकाई है। हम कार्यकर्ताओं को परिवार मानने वाले लोग हैं, अपनी पार्टी को अपनी निजी प्रॉपर्टी मानने वाले ये गौर परिवारवादी लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। भाजपा संगठन शक्ति और कार्यकर्ता के बल से चलने वाला दल है। दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं जिनके लिए धन बल और बाहुबल यही उनकी ताकत है। भाजपा कार्यकर्ता देश के लिए काम करते हैं, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर इदम न मम इसके भाव से काम करते हैं। हम सभी के लिए हमेशा से व्यक्ति से ऊपर दल और दल से ऊपर देश, यही हमारा जीवन रहा है। हम चुनाव जीतते हैं, लेकिन साथ ही लोगों का दिल भी जीतते हैं। पहले जिन गौर परिवारवादियों ने सरकार चलाई, उनकी पार्टी की पहचान के साथ गुंडागर्दी और माफियावाद जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की पहचान उसका कार्यकर्ता है और भाजपा कार्यकर्ता की पहचान उसकी सेवा है। कोरोना काल इसका ताजा उदाहरण है। इस दौर में पार्टी ने सेवा ही संगठन अभियान चलाया और मैं जानता हूं कि किस तरह भाजपा हर कार्यकर्ता जनसामान्य की सेवा के लिए लगा रहा। हमारे कार्यकर्ताओं ने लोगों तक राशन पहुंचाया, घर घर दवाइयां पहुंचाई, मास्क बांटे, जरूरत पड़ने पर रक्तदान किया, बुजुर्गों को इलाज की सुविधा जुटाने में मदद की। बनारस में कितने विदेशी नागरिक भी फंस गए थे, लेकिन काशी के लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं होने दी। जनता जनार्दन की सेवा और राष्ट्रभक्ति का यही भाव लेकर आपको हमेशा लोगों के बीच जाने का जो हमें सूत्र मिला है, जिसको काशीवासियों ने सिद्ध किया है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। हम सेवा करने ही राजनीति में आए हैं। ये एक दो दिन की रिहर्सल नहीं, एक दो साल का कोर्स नहीं, बल्कि ये सेवा एक महायज्ञ है जो जीवन की आखिरी सांस तक अनवरत चलते रहना चाहिए। साथियों, अभी शिवरात्रि आने वाली है, पूरे देश से लोग काशी आएंगे। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग घंटों लाइन में लगते हैं। काशी में आए बाबा के भक्त बाबा के ही रूप होते हैं। हमें इसी भाव से शिवरात्रि के अवसर पर हर श्रद्धालु की सेवा करनी है। करेंगे ना, हर श्रद्धालु की सेवा करेंगे ना। साथियों, काशी भारत की संस्कृति की प्राचीन राजधानी रही है, लेकिन पिछली सरकारों ने बनारस को विकास से वंचित रखकर यहां के लोगों को परेशानियों के गर्त में धकेलने की कोशिश की। इनका पाप इतना ही नहीं था, इन गौर परिवारवादियों ने यही धारणा बना रखी थी
कि बनारस बदहाल रहा है, बनारस ऐसे ही बदहाल रहेगा, लेकिन महादेव के आशीर्वाद से आज बनारस बदल रहा है। आज काशी विश्वनाथ धाम, काशी और देश की गरिमा के अनुरूप हमारी पहचान की भव्य झांकी बनकर खड़ा है। कितने समय बाद बाबा का धाम और मां गंगा फिर से एक बार जुड़े हैं। आज मां गंगा स्वच्छ हो रही है और गंगा के घाट भी स्वच्छ हुए हैं, उनमें नए पत्थर लगे हैं। मुझे खुशी होती है जब लोग ये कहते हैं कि एयरपोर्ट से शहर अब जल्दी पहुंच जाते हैं। लोग जब बहुत गौरव के साथ बनारस में हो रहे सुंदरीकरण के कार्यों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। अब बनारस के पास नया हाईवे भी है, रिंग रोड भी है और रुद्राक्ष जैसे आधुनिक केंद्र भी है। भाइयों बहनों, जब ये गौर परिवारवादी सरकार में थे तो यूपी के विकास के लिए, गरीबों के लिए हम जो भी काम लेकर आते थे उसमें ये अड़ंगा लगा देते थे, लेकिन बीते 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने यूपी के विकास की पूरी ईमानदारी से कोशिश की है। आज यूपी की जनता इस बात को समझ रही है, यूपी में हुए विकास कार्यों को देख रही है। लेकिन मैं चाहता हूं आप सभी भाजपा के कार्यकर्ता लोगों को इन कार्यों के बारे में निरंतर जागरूक करते रहे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने जो काम किया है वो यूपी में मेडिकल कॉलेजों की संख्या से पता चलता है। 2017 से पहले यूपी में प्राइवेट और सरकारी मिलाकर कुल 33 मेडिकल कॉलेज थी। आज यूपी में प्राइवेट और सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 65 हो गई, करीब करीब डबल। ये है भाजपा सरकार के काम करने की रफ्तार। 2017 से पहले जो सरकार थी उसने अपने 5 साल में यूपी के शहरों में 40,000 से भी कम, पूरे उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, 40,000 से कम घर बनाए थे, जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 5 साल में यूपी के शहरों में करीब करीब 10,00,000 घर बनवाए हैं। आप मुझे बताइए, कोई मुकाबला है क्या इन दोनों के बीच में? और साथियों, जब तक इनकी सरकार थी इन्होंने गरीबों का मकान बनने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की थी। बनारस में इनकी सरकार के 5 सालों में 1,500 से भी कम घर बनवाए थे, 1,500 से कम। जब आपके एक वोट ने परिवारवादियों को इनके आलीशान महलों में भेज दिया, जब आपने भाजपा सरकार को प्रचंड बहुमत से जिताया तो स्थितियां बदलनी शुरू हुई। योगी जी की सरकार में बनारस में 24,000 से ज्यादा गरीब परिवारों को उनका पक्का घर मिला है। साथियों, हमारी भाजपा सरकार ने सौभाग्य योजना के तहत यूपी के करीब करीब 1 करोड़ घरों में बिजली का मुफ्त कनेक्शन दिया है। कोरोना का इस काल में भाजपा सरकार 15 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित करा रही है। इसमें भी 9 करोड़ पिछड़ा वर्ग के हैं, 3 करोड़ दलित है और 3 करोड़ सामान्य वर्ग के हैं। यूपी के 2,60,00,000 से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का 43,000 करोड़ रुपए का सीधा पैसा उनके बैंक खाते में मिला है। मेरे कार्यकर्ता साथियों, गंगा जी की सफाई को लेकर जितना भाजपा सरकार ने किया है उतना पहले कभी नहीं किया गया। यूपी में करीब करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत से 53 परियोजनाओं पर काम हुआ है। यहां रामनगर में, रमना में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट काम शुरू करना हम शुरू कर चुके हैं। बनारस में गंगा जी में गिरने वाले 80 से ज्यादा नालों का पानी अब पहले ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। ऐसे अनगिनत काम जो मैं गिनाने लगूं तो शायद कई दिन निकल जाएंगे। मेरा आग्रह यही है कि आप सरकार के कार्यों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें। साथियों, आपके प्रयास देश की एक और मदद करेंगे।
आपने इस बार लाल किले से सुना होगा, मैंने लाभार्थी योजना के सैचुरेशन की बात की है। सैचुरेशन मेरा मतलब है जो हकदार है वो हकदार का 100% लाभ उस तक पहुंचना चाहिए, कोई 80-90 नहीं, 100%। 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का मतलब होता है गरीब कल्याण के लाभ की योजनाओं से कोई छूटे नहीं। 100% लाभार्थियों तक पहुंचने का मतलब है समाज की आखिरी पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है उस तक सरकार खुद पहुंचकर उसे योजना का लाभ दे। और जब ऐसा होगा तो न तुष्टिकरण की कोई संभावना बचेगी और ही किसी भेदभाव की कोई संभावना बचेगी। इस काम में भाजपा के कार्यकर्ता की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, हमारे लिए बनारस जैसे हर तीर्थ स्थल का विकास आस्था के साथ साथ अवसरों का विकास भी है। बनारस हो, अयोध्या हो, प्रयागराज हो, जब यहां विकास होता है तो अपने आप अपने साथ पर्यटन की अनेक संभावनाएं लाता है, इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलता है। लेकिन जो अपराध को उद्योग मानते हैं वो आस्था से जुड़े विकास कार्यों और उससे बनी जो नई संभावनाओं को भी वो हमेशा सांप्रदायिक चश्मे से देखते हैं। भाइयों और बहनों, काशी तो अविनाशी कही जाती है और काशी के लोग जब भी विश्वनाथ धाम परियोजना को लेकर गर्व का अनुभव कर रहे थे तो उस समय हमने एक और अनुभव किया। हम सभी ने देखा कि भारत की राजनीति में कुछ लोग किस हद तक नीचे गिर गए हैं। मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना पसंद नहीं करता और न ही किसी की आलोचना करना चाहता हूं, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से काशी में मेरी मृत्यु की कामना की गई तो वाकई मुझे बहुत आनंद आया, मेरे मन को बहुत सुकून मिला। मुझे लगा कि मेरे घोर विरोधी भी ये देख रहे हैं कि काशी के लोगों का मुझ पर कितना स्नेह है। उन लोगों ने तो मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। इसका मतलब ये कि मेरी मृत्यु तक न काशी के लोग मुझे छोड़ेंगे और ना ही काशी मुझे छोड़ेगी। और मुझे विश्वास है काशी की सेवा करते करते अगर मेरी मृत्यु लिखी होगी तो इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या होगा। बाबा भोलेनाथ के भक्तों की सेवा करते करते अगर भक्तों की सेवा करते करते चला जाओ तो इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। साथियों, उन गौर परिवारवादियों को मालूम नहीं है ये जिंदा शहर बनारस है, ये बनारस मुक्ति के रास्ते खोलता है। और अब बनारस विकास के जिस रास्ते पर चल पड़ा है वो देश के लिए गरीबी से मुक्ति के रास्ते भी खोलेगा, अपराध से मुक्ति के रास्ते खोलेगा। यही मार्ग परिवारवाद में जकड़े भारत के लोकतंत्र को भी मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। साथियों, पिछली सरकारों में हालत यह हो गई थी कि बेखौफ अपराधी बाबा विश्वनाथ मंदिर से सोना काट करके ले गए थे, मंदिरों से मूर्तियां चोरी हो जाती थी, महादेव की काशी को भू माफियाओं ड्रग्स माफियाओं के हवाले करके इसकी पवित्रता नष्ट करने की कोशिश हो रही थी, काशी में घाटों पर मंदिरों पर बम विस्फोट होते थे,
आतंकी बेखौफ थे क्योंकि तब की समाजवादी सरकार उनके साथ थी। सरकार आतंकियों से खुलेआम मुकदमे वापस ले रही थी, लेकिन काशी कोतवाल बाबा काल भैरव के आगे इनकी चलने वाली थी क्या? त्रिशूल के आगे कोई माफिया कोई आतंकी कभी टिक सकता है क्या? आज सब अपने ठिकाने पर है और काल जयी काशी देश को दिशा दे रही है। कुछ ही दिन पहले मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा भी बनारस को आशीर्वाद देने फिर से स्थापित हो गई है। भाइयों बहनों, बाबा का आशीर्वाद लेकर हमें काशी की विकास यात्रा को अनवरत आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करनी है। बुद्ध विजय सम्मेलन से हमें संकल्प लेकर जाना है, हमें अपना बूथ हर हाल में जीतना है। जीतेंगे जीतेंगे। मैं आपको कुछ और भी आग्रह कर रहा हूं, उसे जरूर याद रखिएगा। याद रखेंगे क्या? याद रखेंगे। सब पर्ची ठीक से बढ़ जाए, बस्ते बूथों तक पहुंच जाए, मतदान के लिए जागरण की व्यवस्था हो जाए, हर बूथ पर टोली बनाकर संपर्क हो जाए, कोई मतदाता न बचे जिस तक आप न पहुंचे, कोई दरवाजा ऐसा न हो जिसे न खटखटाए। हमें खुद भी संकल्प लेना है और मतदाताओं को भी दिलवाना है, पहले मतदान फिर जलपान। मेरे कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप मेरी एक मदद करेंगे? ऐसे नहीं, आवाज जोरदार चाहिए। मेरी मदद करेंगे? आप सब मेरी मदद करेंगे? पक्का करेंगे? देखिए, मैं अकेला हर काशीवासी के पास पहुंच नहीं सकता हूं, लेकिन क्या आप मेरी तरफ से काशी के घर घर जाकर काशी के एक एक व्यक्ति को मिलकर मेरे प्रणाम पहुंचाएंगे क्या? करेंगे? मेरे प्रणाम जरूर पहुंचाइए। उनको कहिए मोदी जी तो नहीं आ पाए, लेकिन मैं मोदी जी की तरफ से उनका प्रणाम आपको पहुंचाने आया हूं। आप घर घर जाएंगे? घर घर जाएंगे, हर घर जाएंगे, हर किसी को मिलेंगे, मतदान के लिए तैयार करेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, हर 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 वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ, मेरा जन्म जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ, मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। तो अभी